Very good morning students. I am your teacher and today I will teach you English. और आज बच्चों में इंग्लिश में आपको नए लेटर बनाना सिखाऊंगी. ये L, L for leaf. और सेकेंड लेटर है बच्चों M, M for mango. Means आम. तो सबसे पहले हम L बनाना सीखेंगे कि L किस तरह बनाया जाता है. तो चलिए देखिए, L for leaf. Leaf का मतलब क्या होता है? पत्ता या पत्ती. और क्या होता है बच्चों L से? L for lion, शेर. तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम L. देखो ये क्या बने हुए हैं, L, L for leaf. Leaf means पत्ता या पत्ती कह सकते हैं हम. देखिए किस तरह से बनाएंगे, ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन से हमें यहाँ से शुरू करना है और ये जो ब्लू लाइन है आपकी, ये रेड लाइन से ऊपर यहाँ तक पहले आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे हम वन बनाते हैं. देखो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन वन बना दिया. अब ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन करनी है. ये बन गया L. फिर से देखो, ये रेड लाइन से शुरू करना है और ये ब्लू लाइन, यहाँ तक हम वन बनाएंगे, फिर यहाँ से ब्लू लाइन के ही ऊपर आपको छोटी सी स्ट्रेट लाइन बनानी है. ये बन गया L. देखिए रेड लाइन से ये नीचे की ब्लू लाइन था, पहले हम स्ट्रेट नीचे आएंगे, फिर ऐसे स्ट्रेट. ये क्या बन गया L, L for lion. फिर से देखो, रेड लाइन से शुरू किया, स्ट्रेट लाइन करेंगे हम नीचे तक, जैसे वन बनाया ब्लू लाइन तक आ गए हम. अब ये जो ब्लू लाइन है इसी के ऊपर छोटी सी फिर से स्ट्रेट लाइन. ये बन गया L. देखो पहले वन बनाया, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या बन गया L. अब देखो ये रेड लाइन और इसे ब्लू लाइन तक ही बनाना है बच्चों, ब्लू लाइन से नीचे हम नहीं निकालेंगे. तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई हमने वन की, वन जैसे ये बन गया वन. अब यहाँ से ब्लू लाइन के ऊपर छोटी सी लाइन फिर से स्ट्रेट. ये बन गया L, L for leaf. फिर से देखिए, रेड लाइन पर हम पेंसिल रखेंगे, नीचे वन बनाओ ब्लू लाइन का, अब ब्लू लाइन पे फिर स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया L. देखो यहाँ से हमने शुरू किया, ये ब्लू लाइन तक वन बनाया, अब फिर स्ट्रेट लाइन, ये बन गया L, L for lion या L for leaf. देखो ये रेड लाइन से शुरू करेंगे, ये ब्लू लाइन तक ऐसे स्ट्रेट लाइन, वन बन गया, देखो वन बन गया. अब फिर यहाँ रखेंगे, अब जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे करेंगे छोटी सी, बन गया L. ये हो गया L, L for leaf. तो आपको बनाना आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा बनाना आ जाएगा. अब देखिए सेकंड लेटर है, ये क्या है M, M for, ये क्या बना हुआ है, मैंगो. मैंगो means आम, मीठा मीठा आम. आजकल मार्केट में आम आ रहे हैं यानी मैंगो. तो आपको मैंगो पसंद है, मैंगो से हम मैंगो शेक बनाते हैं, अच्छा लगता है ना मैंगो शेक. तो ये है M. तो देखो किस तरह से बनाएंगे, ये बहुत ही आसान है. देखिए ये क्या लिखा हुआ है, M, M for mango. ये है, ये भी M, देखो एक जैसा है, M, M for mango. और
देखो किस तरह बनाएंगे। ये रेड लाइन है बच्चों, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक वन बनाओ। ये हमने वन बना दिया। अब एक वन हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे, तो हमने ये दो वन बना दिए। अब हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ बीच में एक डॉट लगाएंगे हम ब्लू लाइन पर। अब इस कॉर्नर को इस डॉट से ऐसे मिला दिया और इस कॉर्नर को इस डॉट से फिर से हमने इसको ऐसे मिला दिया। ओहो क्या बन गया, एम। ओके देखो फिर से देखो, वन बनाया फिर एक वन हमने और बनाया। अब इन दोनों के बीच में हमने एक यहाँ पे डॉट लगा दी। अब इस कॉर्नर को इस डॉट से मिलाओ ऐसे, अब इसे इस कॉर्नर से ऐसे मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एम। एम फॉर मैंगो। बच्चों एम से और क्या होता है, एम फॉर मंकी। मंकी भी होता है बंदर। और क्या होता है एम, एम फॉर मैन यानी आदमी। तो एम से कई चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमारा ये क्या बना हुआ है, मैंगो। अब देखिए फिर से एम बनाना, क्या करते हैं पहले बच्चों हम वन बनाते हैं। देखो ये रेड लाइन है, रेड लाइन से शुरू करना है ब्लू लाइन तक। पहले हमने ये वन बनाया, फिर थोड़ी सी दूर एक वन हमने और बना दिया। देखो हमने टू वन बना दिए। अब इनके बीच में ब्लू लाइन पर एक डॉट बनाएंगे हम ऐसे। अब इस कॉर्नर को इस डॉट से मिलाओ, फिर इस डॉट को इस कॉर्नर से मिलाओ, तो ये क्या बन गया, एम। एम फॉर मैंगो। ईजी है ना एम बनाना, कितना ईजी है। देखो सबसे पहले हम वन बनाएंगे टू, टू टाइम्स। पहले हमने ये वन बना दिया, अब थोड़ी सी दूर एक वन हम और बनाएंगे। देखो हमने ये टू टाइम्स वन बना दिया। अब ये ब्लू लाइन है, इनके बीच में एक डॉट बनाएंगे हम ऐसे। देखो डॉट बना दी मैंने। अब इस कॉर्नर को ये जो लाइन है इसे हम इस डॉट से मिला दिया, फिर डॉट से इस ऊपर वाले कॉर्नर को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एम। एम फॉर मैंगो। देखिए पहले वन बनाएंगे हम, फिर एक वन हम और बनाएंगे, तो ये टू वन हो गए। अब इनके बीच में एक डॉट बना दो यहाँ। इस कॉर्नर को इस डॉट से मिलाया और डॉट को फिर कॉर्नर से मिलाया, तो ये क्या, ओहो ये तो एम बन गया, एम फॉर मैंगो। और देखो अब तो आपको बनाना आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, आप प्रैक्टिस करना और अच्छी तरह से आएगा। देखो पहले वन बनाओ ऐसे, फिर एक वन और बनाओ इस तरह से, हमने टू वन बना दिए। अब ये जो नीचे की ब्लू लाइन होती है बीच में एक डॉट बनाएंगे हम छोटी सी। अब इस कॉर्नर को इस डॉट से मिलाओ, फिर इस डॉट को ऊपर मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एम। एम फॉर मैंगो। ये है मैंगो, मीठा मीठा एम मैंगो। तो आपको भी पसंद है। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, आपने एल एंड एम ये अल्फ़ाबेट आपने बनाने सीखे। तो आप इनको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और रीड भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।